हाय दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का शानदार स्वागत है। मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रैक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने वीडियोस को ओपन कैमरा एप्लीकेशन से शूट करते आए होंगे, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अपना ओपन कैमरा एप्लीकेशन से अपनी वीडियोस को शूट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कैसे अपने मोबाइल के मेन कैमरे से आप एक्सटर्नल माइक को अटैच कर आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपनी जो वॉइस है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ओपन कैमरे को यूज़ करते आए हो तो भाई आज आपको ओपन कैमरा को डिलीट करना पड़ेगा और जो आपका मोबाइल का मेन कैमरा है उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए भाई, हम ओपन कैमरा को क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो माइक है वहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक दिक्कत है कि भाई ओपन कैमरा में जो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी कि भाई हमारे मोबाइल के मेन कैमरे में आती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आप कैसे अपने मोबाइल में एक्सटर्नल माइक को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल के मेन कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड करें और साथ ही साथ वॉइस को भी रिकॉर्ड करें। हालांकि मैंने इस चैनल पर पहले भी ये वीडियो अपलोड की थी, बट उसके अंदर उतनी डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया था और मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स आए कि भाई हमारे मोबाइल में एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाई जो आपने सेटिंग्स बताई थी वो सेटिंग्स हमें हमारे मोबाइल के सेटिंग्स में नहीं मिल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको करना क्या है, देखते रहना है और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है या फिर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो अभी के अभी लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो और अभी के अभी नीचे सब्सक्राइब बटन है भाई, इस वाले सब्सक्राइब को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आगे ले चलता हूँ मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर देखते और सीखते। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाता हूँ, या नहीं तो आप शटर डाउन कर कुछ इस तरह स्लाइड करके आपको डाउन करना है और यहाँ पर देखो सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं दो तरीके से मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि भाई आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखो साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद भाई कुछ इस तरह नीचे आओ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर है, तो अगर आपको यहाँ पर आने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर आने के बाद अगर आपको ये जो फीचर है, जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर, ये फीचर अगर आपको दिखाई नहीं देता है या फिर उसके नीचे आपको मोर का ऑप्शन आता है तो आप उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर, तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद पहले आपके मोबाइल पर होगा क्या कि भाई जो ऑटो सेलेक्ट है उसके ऊपर ये टिक मार्क करे वाला रहेगा। तो अब आपको करना है क्या है भाई, आपको यहाँ पर देखिए ऐड ऑन, मतलब कि उसके नीचे लिखा है कि भाई यूज़ एंड ऐड ऑन डिवाइस इफ़ वन इज़ कनेक्टेड टू द फोन, मतलब कि भाई जो भी आप माइक अटैच करेंगे, ये जो मोबाइल का जो मेन कैमरा है उसे जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो भाई माइक के थ्रू आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगी। अगर आप ऑटो सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल का जो इंटरनल जो माइक होता है भाई उससे आपकी वॉइस रिकॉर्ड होने वाली है, तो आपको नीचे की तरफ आपको मार्क कर लेना है। ये तो हो गया था एक तरीका। अब जो दूसरा तरीका, जिसके मोबाइल में अगर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है वो उनके लिए, तो अब आपको करना है क्या भाई, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना है। आने के बाद अब आपको भी यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करो भाई डिफ़ॉल्ट, आपको यहाँ पर सर्च करना है डिफ़ॉल्ट ऑडियो या फिर डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी एक माइक लिख सकते हैं या फिर देखिए डिफ़ॉल्ट माइक लिख लो। अगर माइक नहीं आता है तो डिफ़ॉल्ट आपको करना क्या है, ऑडियो लिख लेना है। यहाँ से मैं ऑडियो लिख लेता हूँ, ऐसा डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर, तो कुछ इस तरह डिफ़ॉल्ट ऑडियो एडिटर आ जाए, मतलब कि सॉरी डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पर देखो आ चुका है। अब देखिए भाई, आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई अब हम क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई मैं जो मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ वो मोबाइल है भाई रियलमी X2 मोबाइल है। तो मेरे मोबाइल में, मतलब कि मैंने जहाँ तक देखा है भी रियलमी के जितने भी मोबाइल है उन मोबाइल्स में ये फीचर दिया गया है। अगर आपका हो सकता है भी दूसरा मोबाइल है, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो सकता है, अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाओ और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है भाई डिफ़ॉल्ट, आपको सर्च करना है डिफ़ॉल्ट आपको ऑडियो, ऐसा सर्च करो तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर फीचर आएगा, ऑप्शन आएगा, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेम आप जैसा मैंने आपको बताया था वैसा कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सब करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं आता है तो भाई आपको सिंपली एक ही काम करना है भाई, आपको अपने मोबाइल में करना है क्या होगा भाई, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आपको अपने मोबाइल में आपको अपडेट करना है आपका जो मोबाइल है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो भाई यहाँ पर देखिए आपको पहले अपने मोबाइल को अपडेट कर लो। हो सकता है भाई आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं है पहले से, बट अपडेट करने के बाद आपके मोबाइल में ये फीचर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपडेट कर लेना है, या फिर आपने अपडेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं आ रहा है, तो भाई आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपके मोबाइल में हो सकता है फीचर में आ जाए, बट अभी के टाइम पर आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, तो भाई इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं है भाई। अगर आप चाहते हो कि भाई आपको अपने मोबाइल के मेन कैमरे से रिकॉर्ड करना, तो भाई आप जैसा पहले ओपन कैमरा से कर रहे थे वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने मोबाइल पर जाकर देखें कि आपका मोबाइल कौन सा है, मैंने आपको बता दिया मेरा मोबाइल है रियलमी X2 मोबाइल, तो मेरे मोबाइल में कर रहा है, और जो मेरे बाकी के जो मोबाइल्स हैं दूसरे अलग अलग कंपनीज़ के, उसमें मैंने जाकर देखा कि भाई जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। तो भाई शायद से ये फ़ीचर सिर्फ और सिर्फ रियलमी के मोबाइल में दिया गया है, कुछ पता नहीं है भाई। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया इस वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में, बाय बाय।